मनीष गुप्ता के कातिल पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कहां छिपे हैं मनीष गुप्ता के हत्यारे? कौन बचा रहा है उन्हें? यह सवाल अब सियासत की गलियों में गूंज रहा है। विपक्ष कानून व्यवस्था का मामला उठाकर सरकार पर वार कर रहा है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या पर सियासत गरमाई हुई है। गुरुवार को मनीष गुप्ता के घर पर सियासी नेताओं की भीड़ जुटी रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद मनीष की पत्नी से मुलाकात की थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोरखपुर कांड के बहाने अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा। जिस तरह की घटना हुई है गोरखपुर में, आप कमरे में हैं, घूमने आए हैं, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी, दरवाजा खोलेगी, होटल के कमरे में घुस जाएगी आपके और गोली इतना मारेंगे डंडों से कि आपकी जान ले लेगी। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कैसे छिपाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? बीजेपी ने अखिलेश यादव पर इस मामले में सियासत का आरोप लगाते हुए कहा कि जब जांच से परिवार संतुष्ट है तो अखिलेश को दर्द क्यों हो रहा है? कॉप्स को निलंबित किया, उनके खिलाफ 302 का FIR दर्ज हुआ है, तफ्तीश को भी गोरखपुर की पुलिस से लेके कानपुर को पुलिस को दे दिया। उनके परिवार आज मनीष गुप्ता के पत्नी मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो जो सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं। अब इसके बाद अखिलेश हों, प्रियंका वाड्रा हों या मायावती हों, अब ये अगर राजनीति कर रहे हैं तो एक तरह से पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी नहीं कर रहे हैं। BSP सुप्रीमो मायावती ने गोरखपुर कांड की CBI जाँच की मांग उठाई है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, UP CM के गृह जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा 3 व्यापारियों के साथ होटल में बर्बरता व उसमें से एक की मौत के प्रथम दृष्टया दोषी पुलिस वालों को बचाने के लिए मामले को दबाने का प्रयास घोर अनुचित है। घटना की गंभीरता व परिवार की व्यथा को देखते हुए मामले की CBI जांच जरूरी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के जहाँ तक सवाल है, गोरखपुर की घटना स्वयं में अपने आप में गवाह, इसके अलावा भी बहुत अन्य घटनाएं होती रहती, मुझे लगता कानून व्यवस्था के स्तर पर कड़े प्रयासों की जरूरत। उधर वैश्य एकता परिषद ने मनीष गुप्ता को श्रद्धांजलि दी और उनके हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग की। आज तक ब्यूरो।